दोस्तों, आप सभी कलश टीवी का बेहद ही फेमस रियलिटी शो बिग बॉस तो देखते ही होंगे, जो एक एंटरटेनमेंट शो है जिसके हर सीजन में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। साथ ही हमें अब तक बिग बॉस में तक आए सीजनों में कई जोड़ियां बनते हुए देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी प्यार भरी बॉन्डिंग को देखकर दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि बिग बॉस में बनी जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी है दर्शकों की पहली पसंद, किसने किया दर्शकों को सबसे ज्यादा एंटरटेन्ड? नहीं जानते हैं तो फिक्र ना करें, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस में बनी अब तक की 8 जोड़ियों से रूबरू कराएंगे और अंत में देखेंगे कि कौन सी जोड़ी है वह जोड़ी जो आई बिग बॉस में नंबर 1 पर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फिर देर किस बात की है, आइए एक एक कर जानते हैं उन जोड़ियों के बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 8, एजाज खान और पवित्रा पुनिया। बिग बॉस सीजन 14 में एक जोड़ी बनी थी एजाज खान और पवित्रा पुनिया की। इन दोनों की लव केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था, जिसके चलते इस जोड़ी को नंबर 8 की पोजीशन पाती है। नंबर 7, सारा खान अली मार्चेट। बिग बॉस सीजन 4 में हमें कई कलाकार देखने को मिले थे, उन्हीं कलाकारों में से एक जोड़ी सारा खान और अली मार्चेट की थी, जिनकी लव केमिस्ट्री और प्यार को सीरियल में इतनी बढ़ गई थी कि बिग बॉस और सलमान खान ने ही खुद इन दोनों की इस सीजन में शादी करवाई थी, जिसकी वजह से ये जोड़ी नंबर 7 पर आती है। नंबर 6, करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल। बिग बॉस सीजन 10 में हमें करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल की जोड़ी देखने को मिली थी। इन दोनों की जोड़ी में हमें काफी लड़ाई झगड़े और प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिली, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इस जोड़ी को नंबर 6 की पोजीशन मिली। नंबर 5, प्रिंस नरूला और युविका चौधरी। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी हमें बिग बॉस सीजन 9 में देखने को मिले थे। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। इन दोनों के बीच हमें काफी प्यार देखने को मिला, जिसके चलते ये इस लिस्ट में अपना नाम शुमार कराते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, राहुल सुचांची और सृष्टि रोड़े। बिग बॉस सीजन 12 में राहुल सुचांची और सृष्टि रोड़े की जोड़ी हमें देखने को मिली। इन दोनों के बीच काफी प्यार था, जिसके प्यार को देखकर दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया और इन्होंने इस सीजन की स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार बनाया था, जिसके चलते ये जोड़ी नंबर 4 की पोजीशन पाती है। नंबर 3, गोरा खान और खुशहाल टंटन। टीवी इंडस्ट्री के जानी मानी एक्ट्रेस गोहर खान हमें बिग बॉस सीजन 7 में देखने को मिली। इनकी जोड़ी खुशहाल टंटन के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि जिसकी वजह से ये नंबर 4 की पोजीशन पाती है। नंबर 2, हाशिम रियाज और हिमांशी खुराना। नंबर 2 की पोजीशन पाने वाली जोड़ी है हाशिम रियाज और हिमांशी खुराना की, जो बिग बॉस सीजन 13 में हमें देखने को मिली थी। इन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री और प्यार देखकर दर्शकों ने इन्हें अपना खूब प्यार दिया, जिसके चलते ये जोड़ी नंबर 2 की पोजीशन पाती है। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। जी हाँ, नंबर 1 की पोजीशन पाने वाली जोड़ी है सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की, जो बिग बॉस 13 में हमें अपने प्यार और नोक झोंक से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि ये जोड़ी नंबर 1 की पोजीशन पाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी नंबर 1 की पोजीशन पर आनी चाहिए थी? आप उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।